नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। ये जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत क्रूशियल है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। सोशल साइंस में आज हम इतिहास का चैप्टर कवर करने वाले हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम थोड़ा सा विश्व इतिहास की तरफ चलेंगे और दो कड़ियां इस पर ऑलरेडी हो चुकी है और तीसरे की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे और कैसे उसके तार जोड़ेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। इससे संबंधित बहुत जल्दी से अगर आपको कोई प्रश्न क्वेरी है तो आप संपर्क करेंगे टोल फ्री नंबर पर 8800440559। यू कैन सी ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन, यू कैन मेल योर क्वेश्चंस एज वेल ऑन dts.class9 व्हिच इज द ऑफिशियल मेल आईडी फॉर क्लास 9 स्टूडेंट, dts.class9@cit.nic.in। और अगर आपको टाइम टेबल नहीं मालूम है तो आप स्वयं प्रभाव और सीआईटी की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर आप टाइम टेबल को देख सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं। समय है अपने एक्सपर्ट को इनवाइट करने का और बहुत ही दिलचस्प पहलू की तरफ हम बढ़ रहे हैं। डॉक्टर शरद कुमार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम स्टडीज नई दिल्ली एनसीईआरटी से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पांडे आपका। नमस्कार धर्मेंद्र जी। नमस्कार प्यारे बच्चों। विश्व इतिहास की जब भी बात करते हैं तो एक रोचकता अपने आप में आ जाती है कि क्या कुछ नई नई बातें वहां पर हुई होंगी। एक पर्टिकुलर परिवेश को वहां पर परिदृश्य को रख के समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन हम कवर करने वाले हैं और ये तीसरा पार्ट है, डॉक्टर पांडे मैं चाहूंगा कि पहले दो जो सेशन हुए हैं उनका थोड़ा सा एक संक्षिप्त विवरण दे दिया जाए, फिर हम इस सेशन में आगे की तरफ जाएं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा पिछले दो सत्रों में हमने बात किया था फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि की, वही क्रांति जो अचानक प्रस्फुटित होती है गंभीर रूप से, लेकिन उसके पीछे दशकों सदियों का असंतोष, रोष और संघर्ष की भावना होती है और उसी के फलस्वरूप फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो हमने आपको बताया था कि उस समय का फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, उस समय का फ्रांसीसी, क्रांति के पहले का फ्रांसीसी समाज कैसा था और कमोबेश जैसा फ्रांसीसी समाज था वैसे ही स्थिति यूरोप के अन्य देशों की थी। हमने बताया था उस समय फ्रांस सामंतवादी शक्तियों, सामंतवाद से जकड़ा हुआ था, जहां पे निरंकुश राजतंत्र था और लुई सिक्सटीन नामक शासक शासन कर रहा था। लोगों को विशेषाधिकार, केवल कुछ लोग समाज के केवल चंद चुनिंदा लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। बहुसंख्यक जनसंख्या भुखमरी के कारण, निर्धनता के कारण, शोषण के कारण कराह रही थी। तो इस पृष्ठभूमि की हमने बात किया था। हमने आपको ये भी याद दिलाया था कि उस समय का फ्रांसीसी समाज तीन वर्गों में या तीन स्टेट में, जिसको तीन भाग में कह सकते हैं, सामाजिक हैसियत की दृष्टि से, आर्थिक हैसियत की दृष्टि से, फ्रांसीसी समाज तीन भागों में बटा हुआ था। समाज के सर्वप्रथम सर्वोच्च भाग में पादरियों का शासन था, जिसे क्लेर्गी कहते थे, और समाज का दूसरा वर्ग ये और क्लेर्गी वर्ग, जिसमें पादरी वर्ग, चर्च के पादरी होते थे, उनके अलावा जो सेकेंड वर्ग नोबेलिटी या सामंतों, जमींदारों का वर्ग था, ये दोनों वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे। इनको प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट कहते हैं, और जो थर्ड स्टेट जो तृतीय वर्ग था, उसमें फ्रांस के आम लोग आते थे। लेकिन ये तीसरा वर्ग भी तीन प्रमुख भागों में बांटा था, जिसमें सबसे ऊपर कुछ चंद पढ़े लिखे वर्ग, जो शिक्षा प्राप्त वर्ग थे, जो अदालतों में कार्य करते थे, वकील का कार्य करते थे, छोटे मोटे व्यापारी थे जिन्होंने धन संग्रह करके थोड़ा संपत्ति अर्जित कर लिया था, शिक्षा प्राप्त कर लिया था, ये वर्ग था, और उस और कुछ धनी किसान भी थे। द्वितीय वर्ग में थे छोटे किसान थे, और सबसे नीचे लोअर तबके में इस जो तीसरा स्टेट का जो तीसरा तबका था वो सबसे शोषित था। उसमें भूमिहीन कृषक थे, मजदूर वर्ग थे और देश की बहुसंख्यक जनसंख्या। तो इन तीन समाजों में, इन तीन भागों में फ्रांसीसी समाज बटा हुआ था। और हमने आपको बताया था कि उसमें फ्रांस में बूर्बो वंश का राज्य था, जिसका शासक लुई 16, जब उसने राज सिंहासन ग्रहण किया तो फ्रांस आर्थिक रूप से बहुत संकट की अवस्था में था, उसकी शोषण के कारण और अर्थव्यवस्था उसकी बहुत बुरी स्थिति में थी। इन परिस्थितियों में उसको कर बढ़ाना पड़ा था, और हमने आपको बताया था कि कर जो देते थे वो भी जो तृतीय वर्ग के लोग थे वही कर देते थे, और प्रथम वर्ग पादरियों का वर्ग और द्वितीय वर्ग जो कुलीन लोगों का वर्ग था
ये लोग कोई कर नहीं देते थे। इसके अलावा जो तृतीय वर्ग के शोषित लोग थे, इनकी भूमि पे बिना पैसा दिए बेगार का कार्य भी करते थे, कृषि करते थे, जब जमींदारों के युद्ध होते थे तो उसमें सेना सैनिक का कार्य भी करते थे, उनके घरों में भी काम करते थे, दासों जैसा व्यवहार किया जाता था उनसे। तो इस तरीके से असमतापूर्ण समाज में और विशेषाधिकार प्राप्त समाज में फ्रांसीसी तत्कालीन समाज बटा हुआ था। क्या बात है, आपने सामाजिक आर्थिक सारी स्थितियों को फ्रांसीसी क्रांति के तीसरे चरण के मद्देनजर रख दिया है। सब एक चीज ये भी है कि उस समय की जो दौर था, आपने दो तीन वर्ग हमें बताया, आपने निम्न वर्ग बताया, उच्च वर्ग बताया, सामंत वर्ग बताया, जमींदारों का एक वर्ग हुआ करता था, पढ़े लिखे लोगों का एक वर्ग हुआ करता था, ऐसे में एक टर्म वहां पर ही होता है बुद्धिजीवी लोग। तो ये जो बुद्धिजीवी लोग थे, क्या इनकी कोई भूमिका फ्रांसीसी क्रांति के मद्देनजर देखी जा सकती है, क्या इनकी भूमिका थी वहां पर, वो भी समझ लेते हैं। बहुत बहुत मौलिक प्रश्न किया आपने, और इसको जब हम फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ें या उसके बारे में चिंतन करें तो हम अपने भारत में जो हमारा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का उसका भी ध्यान रखें और याद रखें 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो एक घटना के कारण उसका विस्फुटन हुआ था उसमें, लेकिन करीब एक वर्ष लगा, एक से डेढ़ वर्ष लगा अंग्रेजों को, ब्रिटिश शासन को उस आंदोलन को समाप्त करने के, और उसके बाद 1857 का संघर्ष पूरी तरह समाप्त हो गया। इसका एक प्रमुख कारण था कि जो विद्रोही थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको संघर्ष के 1857 के विद्रोह के बाद क्या करना है इसका उनका कोई खाका नहीं था। और जब हम इसी क्लास में, जब हम आगे के क्लास में जब 1857 पे भी चर्चा करेंगे तो हम, बड़ा रोचक है ये कि उसमें विभिन्न वर्गों ने भाग लिया भारत के, लेकिन पढ़े हुए शिक्षित नव उदित वर्ग ने इस 1857 के विद्रोह के प्रति एक तरीके से अरुचि ही दर्शाई, कोई सहयोग नहीं किया। लेकिन फ्रांस की क्रांति की जब हम बात करते हैं तो फ्रांस में भी 1789 के पहले कई बार संघर्ष हुए, कई बार विद्रोह हुए, लेकिन 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति ही सिर्फ इस कारण याद की जाती है और आज भी हमको प्रेरणा प्रदान करती है, क्योंकि उसमें प्रमुख भूमिका बुद्धिजीवी वर्ग थी। और बच्चों, ये जो बुद्धिजीवी वर्ग था, ये जो तृतीय स्टेट की हमने बात किया, तृतीय स्टेट में जो सबसे ऊपर वर्ग था उसने छोटे मोटे व्यापार करके, आपको पता ही का यूरोपियन, आपको पता ही है कि यूरोपियन देशों में समुद्र पार के व्यापार से थोड़ा धन उन्होंने संचय कर लिया था। उसके अलावा जो व्यापारी वर्ग थे उन्होंने ऊनी वस्त्रों या रेशमी वस्त्रों के व्यापार से, और उसके खरीदार जो कुलीन वर्ग हैं, पादरी वर्ग के लोग हैं, उसके खरीदार होते थे, तो उन्होंने उससे धन संचय किया, तो एक प्रकार से उनके पास थोड़ा धन भी आया, आर्थिक रूप से वो संपन्न हुए। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त हुई, क्योंकि उस समय का फ्रांस का बहुसंख्यक समाज अशिक्षित था, तो जो 1857 की जो क्रांति हुई उसमें सर्व प्रमुख भूमिका इस नव उदित बुद्धिजीवी वर्ग की थी, जिसको कि 18वीं शताब्दी का फ्रांस में नव उदित मध्य वर्ग या मिडिल क्लास भी कहते हैं। इसने आंदोलन की भूमिका तैयार की, और जो इस 1857 की क्षमा की जगह 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति का जो मूल बिंदु था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इसका जो इसके पीछे जो विचार थे, उनके पीछे जो दार्शनिक पृष्ठभूमि थी, उसको तैयार करने में इस क्रांति के बुद्धिजीवियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिनमें से कुछ को स्मरण करना बहुत आवश्यक है, उसके बिना फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कोई भी चर्चा अधूरी रहेगी। आपको हम याद दिला दें कि इस समय फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, मतलब जन्म से ही जो राज परिवार के लोग थे, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग लोग थे, जो कुलीन थे, उनको जन्म से ही अधिकार प्राप्त थे, कोई समानता नहीं थी। लेकिन उस समय जो विचारक हुए फ्रांस के, जिसमें जियाक लॉक हैं, रूसो हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, इन लोगों ने इस क्रांति को वैचारिक पृष्ठभूमि प्रदान की, और इनकी प्रेरणा, और यही नहीं, आप
आपको इस ये बात जानकर के बड़ा रुचिकर लगेगा कि फ्रांसीसी क्रांति के 2 वर्ष पूर्व ही मतलब 1787 में जो हमारा आज का वर्तमान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका है, उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था और छोटे छोटे उपनिवेशों में 13 उपनिवेशों में बटा हुआ था। और उस समय जो वहां संघर्ष चल रहा था सत्ता का विश्व के लिए, विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, फ्रांस में और इंग्लैंड में जो सत्ता संघर्ष चल रहा था, तो जो इंग्लैंड जिसका शासन अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में था, उसमें जो स्वदेश जो देशज लोग थे, जो अमेरिका के ओरिजिनल लोग थे, इंडिजीनियस लोग थे, उनके आंदोलन को फ्रांस सपोर्ट कर रहा था। और इस तरीके के बुद्धिजीवी वर्ग जिनका हमने आपको नाम लिया, मॉन्टेस्क्यू हैं, रूसो हैं, लॉक हैं और तमाम लोग, इन लोगों ने वहां भी, वहां के संघर्ष को, अमेरिका के संघर्ष को भी वैचारिक वैचारिक ईंधन प्रदान किया। और यही कारण है कि जो अब 1787 में वहां संविधान बना अमेरिका में, तो वहां पे एक लोगों को, मतलब सभी लोगों को बराबर घोषित किया गया और एक मानवाधिकार का घोषणा पत्र जारी किया गया और सबको स्वतंत्रता दी गई, सबको समानता की बात की। तो इस तरीके से ये जो राजनीतिक चिंतन जो बुद्धिजीवियों ने फ्रांस के दिया, पहले इन्होंने प्रेरणा दी अमेरिका को, उसके बाद अपने देश में उन्होंने अपने जन सामान्य लोगों में जो निरक्षर थे, अशिक्षित थे, उनको जागरूकता लाने में उन्होंने प्रमुखता प्रदान की। और फ्रांसीसी क्रांति के जो 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, अब जैसे हम बात करें जियाक, हम लॉक की बात करें, जो लॉक नामक फ्रांसीसी विद्वान थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो बात करते हैं, जो फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र है और उसको उस समय था कि ये देवताओं द्वारा प्राप्त है, जो राजा होता है उसको दैवीय शक्ति प्राप्त होती है, इस बात का अपनी अपनी लेखनी में, अपनी पुस्तकों में, उसमें उन्होंने उसका जो है खंडन किया। और दूसरे जो विचारक थे रूसो, उन्होंने कहा कि कोई भी वर्तमान सरकार में, वर्तमान राज्य में सामाजिक अनुबंध होना चाहिए और लोगों में, आम जनता में और जो उनके शासक हैं उसके बीच में एक सामाजिक समझौता है, समझौता होता है, जिसको उन्हें सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत बोला, कि सारे लोग मिलके, अब चूंकि सारे लोग तो सरकार में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो वो लोग अपनी सहमति से, सारे लोग, आम जनता अपनी सहमति से एक अनुबंध के तहत अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उनको सरकार चलाने का दायित्व तो देती है। तो ये बराबरी की बात है, न कि कोई जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, राजा जिसको दैवी, तो उनका ये सिद्धांत था। साथ ही याद करें, आज ज्यादातर जो लोकतांत्रिक देश है उसमें त्रिस्तरीय शासन पद्धति है, मतलब शासन में कोई भी, उस पहले जो राजतंत्र था उसमें न्याय विभाग, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो जो नियम बनाती हो, या फिर न्यायपालिका हो, ये तीनों प्रमुख शक्ति एक ही व्यक्ति जो निरंकुश राजा होता था उसके हाथों में केंद्रित होती थी। लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो बात मॉन्टेस्क्यू ने ये विचार दिया कि ये शक्ति जो 3 प्रमुख शक्ति है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था में केंद्रित नहीं होना चाहिए। किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी राज्य में, स्टेट में इसका विभाजन होना चाहिए और 3 अलग संस्थाओं में ये विभाजित होनी चाहिए। तो इस तरह उन्होंने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। कमाल की बात है डॉक्टर पांडे, समय हमारे पास बहुत कम है, इसी में एक प्रश्न और भी मैं आपकी तरफ ऐड कर रहा हूँ। आपने बोला कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात को वो लेकर आए और वो जो दौर था वो निरंकुश राजतंत्र का था, तो आखिर कैसे इन चिंतकों के, दार्शनिकों के जो प्रभाव रहे, उन्होंने जो बातें लिखी, एक दूसरे देश को समझाए और उस फीलिंग्स को, उस एटमोस्फियर को, माहौल को वहां पर बनाया, तो इन 3 बातों पर, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात को अगर हम ले रहे, तो आखिर कैसे फ्रांस में जो राजतंत्र था, जो मोनार्की थी, उसको समाप्त करके रिपब्लिक की या गणतंत्र की स्थापना वहां पर। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, हमने पिछले सत्रों में बच्चों को बताया था कि 14 जुलाई 1789 को किस तरीके से पेरिस में 7,000 महिला और पुरुष इकट्ठे होते हैं
और कर बढ़ाने के विरोध में जब उनको पता चला कि फ्रांसीसी शासक जो लुई से 16 थे उन्होंने शहर में सेना को भेजने का आदेश दे दिया है, तो लोग अचानक टाउन हॉल के पास इकट्ठा हो उठते हैं और बास्तील का किला जो था जिसमें राजनीतिक विरोधियों को बंदी रखा जाता था उन्होंने हमला करके उसको तोड़ा, उसके अंदर के जो बंदियों को मुक्त किया और किले के भग्न अवशेषों को उन्होंने पेरिस के बाजार में लाके स्मृति चिन्ह के रूप में लोगों को भेजा। इसके साथ ही ये क्रांति नहीं समाप्त हुई, इसके बाद फिर जब लोगों ने 1789 में जब शासक को लगा, जब लुई 16 को लगा कि नहीं अब ये सेना के हाथ से बात आगे निकल गई है, तो उन्होंने लोगों को स्वीकार किया और लोगों की सहमति से, इन विद्रोहियों की सहमति से एक एक संवैधानिक राजतंत्र, राजतंत्र तब भी था लेकिन संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत की और एक नेशनल असेंबली के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इस नेशनल असेंबली में जो लोग चुन के आते थे उसको लोग चुनते थे, लेकिन हम आगे डिस्कशन में देखेंगे वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे आधारित नेशनल असेंबली नहीं थी। तो इस तरीके से फ्रांस में 1789 की क्रांति के बाद सर्वप्रथम संवैधानिक राजतंत्र स्थापित होता है और 1791 में ये इस नया संविधान बनता है जिसमें घोषित किया जाता है कि फ्रांस में जो है संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है। और जो सेंसरशिप थी, जो उस समय प्रेस को, लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी, इन सब को छूट दी जाती है। इसके अलावा लोगों को एक सीमित स्तर पे, एक सीमित स्तर पे मताधिकार का अधिकार प्राप्त होता है उन लोगों को, लेकिन केवल उन लोगों को वोट देने और प्रतिनिधि चुन नेशनल असेंबली के लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है जिनकी आयु 25 वर्ष की हो और वो पुरुष हो, 25 वर्ष के से ज्यादा की आयु हो, पुरुष हो और वो कम से कम इतना उनका जो भी सैलरी है, उनका जो भी वेतन है, जो भी उनको आजीविका मिलती है उसका 3 दिन कम से कम वो टैक्स पे करते हो। तो केवल बहुत अल्पसंख्यक वर्ग था जिसको इतना वो सामर्थ्य था, शोषण के कारण ज्यादातर लोग 3 दिन का वेतन भी कर के रूप में नहीं दे सकते थे, उनके पास कुछ अपने जीविका निर्वाह के लिए ही नहीं बचता था, तो टैक्स देने की बात तो बहुत थी, लेकिन फिर भी एक कदम फ्रांस आगे बढ़ता है और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है। बिल्कुल, ऐसी इतनी सारी बातें रही, कहते कि ये क्रांति थी, वो क्रांति थी, इस पे हम आगे भी बढ़ेंगे तो जर्मनी का नाज़ीवाद भी, वहां पर भी आपको इसी तरीके के कुछ विरोध के स्वर दिखाई देंगे, लेकिन इसकी परिपाटी ना बहुत पहले से जमती है, जो पते पड़ता है जिसको हम सहनशीलता बोलते हैं बाहर हो जाती है तो फिर क्रांति का रूप आ ही जाता है और नए वर्ग को बुद्धिजीवियों का भी रोल हमने इसमें देखा। अब आपको मैं उस पसमंजर में लेके चलता हूँ अपने विद्यार्थियों के एवज में, क्लास 9 की जो समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, 1792 से लेकर 94 का जो समय था, आतंक का राज की संज्ञा जिसको दी जाती है कि गणतंत्र को बनने के बाद का जो काल है, तो आखिरकार हम इस बात को समझ लें अच्छे से कि इस पर्टिकुलर टाइम फेज को 1792 से 94 आतंक का राज आखिर हम इसे क्यों देते हैं, इसकी संज्ञा हम क्यों देते हैं। बिल्कुल, 1793-94 के दौर को फ्रांस में आतंक का राज भी कहते हैं। इसका कारण ये कि हमने बताया कि हालांकि संविधान के द्वारा, नेशनल असेंबली के द्वारा फ्रांस ने एक कदम आगे बढ़ा लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रांस गणतंत्र नहीं बना था। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि जो देश का प्रमुख हो, जो सरकार का मुखिया है, वो लोगों द्वारा चुना जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस समय भी शासक तो राजतंत्र था, बस इतना हुआ था कि एक नेशनल असेंबली होती थी जो उसके अधिकार पर नियंत्रण करने के लिए बनाई गई थी नेशनल असेंबली, और जो वोट का अधिकार था वो भी कितना सीमित था। तो इन सब परिस्थितियों में भी एक कट्टर वर्ग उभर के सामने आया जिसका कहना था कि नहीं, हम सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए, हम सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए,
वोट देने का अधिकार केवल संपत्ति संपत्ति संपत्तिशाली वर्ग को या जो संपन्न वर्ग है उनको, उनके अलावा सभी लोगों को मिलना चाहिए। तो इन लोगों को जैकोबिन क्लब के लोग कहते हैं। उस समय फ्रांस में ये सब जो बातचीत होती थी, जो बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में लोग इकट्ठा होते थे और किसी सैलून में, किसी क्लब में, जो कॉन्वेंट, कॉन्वेंट शब्द आज आप स्कूलों के संदर्भ में प्रयोग करते हैं, कॉन्वेंट का मतलब होता है जो कोई इमारत होती है किसी धार्मिक संस्था से संबद्ध, किसी उद्देश्य को पूरी करने के लिए जो इमारत होती थी, तो उन उनको कॉन्वेंट बोलते थे। एक सेंट जैकब थे, उन्हीं के नाम पे एक क्लब था जिसको जैकोबिन क्लब कहते थे, और उसका जो नेतृत्व करता था वो एक रॉबिन स्पेयर नामक एक व्यक्ति था। उसके बड़े क्रांतिकारी विचार थे। उसका कहना था कि नहीं, इस जो मताधिकार के अधिकार को सबको मिलना चाहिए। तो उसने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी पूरी होनी चाहिए। तो उसने जो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र के प्रति विद्रोह करके एक नेशनल कन्वेंशन का गठन किया, जिसमें उसको लोगों ने शक्ति दिया, उसको समर्थन दिया, और इस प्रकार हम देखते हैं कि फिर फ्रांस में नेशनल असेंबली के स्थान पे नेशनल कन्वेंशन की उसने स्थापना की। और इस नेशनल कन्वेंशन, जो एक नेशनल असेंबली ही थी, इसमें जो लोग चुने जाते थे, थोड़ा मताधिकार को और बढ़ाया गया, लेकिन सबको फिर भी नहीं शामिल किया गया। इसमें अब ये दायरा रखा गया कि 21 वर्ष से ज्यादा के प्रत्येक पुरुष लोग, सभी लोग इस नेशनल कन्वेंशन के लोगों को, जो प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मत दे सकते हैं। लेकिन इसको आतंक का राज क्यों कहा जाता है? हालांकि जैकोबिन क्लब के जो लोग थे वो लोग बड़े क्रांतिकारी विचारों के थे, समानता की बात करते थे, लेकिन अपने वो भी अंत में जाके हम देखते हैं कि रॉबिन स्पियर भी जो बड़ा, उसने एक आतंक का साम्राज्य इसलिए स्थापित किया, जिसको आतंक का साम्राज्य इसलिए कहते हैं कि जो उसके राजनीतिक विरोधी थे, जो भी उसके निर्णय से असहमति जताते थे, उसके प्रति असंतोष जताते थे, जो लोग कहते थे कि नहीं, जो जैसे महिलाएं हैं, महिलाएं कहती थी हमको भी वोट का अधिकार प्राप्त हो, जो और वर्ग जो थे, जो 21 वर्ष से कम आयु के वर्ग थे, या जो और भी पादरी वर्ग थे, चर्च वर्ग के लोग थे, और जो लोग भी थे, उसने मतलब एक राजनीतिक रूप से एक निरंकुशता स्थापित की, और उसके जो भी विरोधी थे उसको वो एक, उसने विशेष प्रकार का न्यायालय गठित किया, और उसमें लोगों को अल्प सुनवाई में ही फांसी की सजा दी जाती थी, जो लोग उसके राजनीतिक विरोधी थे, जो लोग उसके आदेशों के विरुद्ध आवाज उठाते थे उनको फांसी दे दी जाती थी न्यायालयों में। बहुत लंबा इसका कॉन्सेप्ट है, सब 2 मिनट का समय हमारे पास बाकी। डॉक्टर पांडे, अंतिम एक इश्यू जरूर बचा है, मैं सोचता हूँ कि इसको चलते चलते इसको भी पूरा कर लिया जाए। जिस स्वतंत्रता समानता की हम बात कर रहे हैं फ्रांसी क्रांति के फ्रांसीसी क्रांति के मद्देनजर, माफ कीजिए, तो इस जब गणतंत्र की स्थापना हुई तो सभी वर्गों को क्या वो समानता और स्वतंत्रता मिल पाई थी? मान लीजिए कि वहां पर अमीर वर्ग भी था, वहां पर निम्न वर्ग के लोग भी थे, और अगर मैं महिलाओं की स्थिति को यहाँ पर कोट करूं तो क्या वास्तव में महिलाओं को भी वो समानता और स्वतंत्रता जैसी बड़ी बड़ी जो बातें थी, क्या वो आधिकारिक रूप में उनको मिल पाई थी या उनको मना सकते? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि फ्रांस में महिलाओं को, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, लेकिन फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार पूर्ण रूप से 1946 में जाके प्राप्त हुआ। तो हम देखते हैं कि फ्रांस में जो समानता की बात हुई वो भी सहसा एक साथ नहीं आई। महिलाओं को, जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया था, जिन्होंने जिनको उस समय शिक्षा का अधिकार नहीं प्राप्त था, शिक्षा का अधिकार केवल जो उच्च कुलीन वर्ग थे, पादरी वर्ग थे, उनके परिवार के सिर्फ चंद महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। तो जब जैकोबिन क्लब के नेतृत्व में संवैधानिक गणतंत्र बना फ्रांस, तो उसमें कम से कम इतना हुआ कि इन महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने की, शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा के अधिकार को अनिवार्य बनाया गया। उनके जो
जो उनके जो विवाह के संदर्भ में उनके तलाक के अधिकार में उनको छूट दी गई, लेकिन फिर भी उस दौर में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया और समान वेतन और समान मताधिकार की मांग को लेके संपूर्ण 19वीं और 20वीं शताब्दी में फ्रांस में और फ्रांस से बाहर निकल के यूरोप में और समूचे विश्व में ये आंदोलन चलता रहा और अंत में जाके 1946 में महिलाओं को जाके ये अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं को भी बहुत लिमिटेड और चरणबद्ध तरीके से ये प्राप्त हुआ। तो देखिए फिर 1792 से 94 से लेकर 1940 तक की आपने बात करी, काफी लंबा अवसर रहा और बीच बीच में ऐसे विरोध काफी होते रहे। किसी भी आप डायनेस्टी की बात करें तो ऐसे जब क्रांतियों की हम बात करते हैं तो एक समूल परिवर्तन को हम देखते हैं और फिर वो परिवर्तन किस दिशा में जा रहा है वो यूं ही व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिस तरीके का मॉरल रहता है, भावनाएं रहती है, शासन रहता है, उसके परिदृश्य में उसको समझा जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले सेशन में और भी हम महत्वपूर्ण बातें करेंगे। डॉक्टर पांडे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस कठिन समय में आपने हमारे बच्चों के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, नमस्कार प्यारे बच्चों, और जितने भी बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पार्टिसिपेशन के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है क्योंकि अगला जो सेशन है वो है वेबिनार का और वहां पर हम जानने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साइबर सेफ्टी और क्राइम के बारे में, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ।